ओके हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मॉर्निंग इंग्लिश का, यानी पंजाब बोर्ड पर। गुड मॉर्निंग। इंग्लिश का चैप्टर नंबर, लेसन नंबर 2। ठीक है, इंग्लिश का पंजाब बोर्ड से। तो आज हम ये करेंगे, तो इसका नाम क्या है? हरप्रीत, रीड करो। मैम। यस मैम। द फार्मर एंड द बॉल। वेरी गुड। इसका मतलब किसान, यानी किसान और बैल। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये किसान और बैल की है। मेरी आवाज आ रही है? ठीक, यस मैम। ओके। तो इसको के बाद, यानी इसको पढ़ने के बाद क्या होगा? इसके पढ़ने के बाद आपको होगा टू डेवलपमेंट लिसनिंग, सुनना, मतलब सुनना और रीडिंग करने की स्किल्स आपकी अच्छी होगी, डेवलप्ड होगी। और हैबिट्स ऑफ योर सेल्फ, मतलब स्टूडेंट्स की हैबिट के बारे में भी इस पे बात होगा। हैबिट्स भी, हैबिट्स में भी आप डेवलपमेंट यानी चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस कुछ यस लिखा मैम। है, प्री रीडिंग है, ये ऐसे ही है। तो ये हमें कुछ न्यू वर्ड बताया है, यहाँ पर पंजाबी में भी लिखा हुआ है, जैसे फार्मर यानी किसान, मार्केट यानी जो मार्केट में हम सब्जी वगैरह लेने जाते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है हरप्रीत? लोडेड। लोडेड यानी मैम लोडेड यानी भरा हुआ। लोडेड है, लोडेड, लोडेड नहीं है, लोडेड। ठीक है, मतलब लदा हुआ, लदा हुआ, भरा हुआ, लदा हुआ बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रगल। मैम स्ट्रगल। यानी मैम स्ट्रगल यानी मेहनत मैम करना, मेहनत करना। हमने मतलब स्ट्रगल स्ट्रगल यानी मतलब मेहनत मैम उसका करना। नहीं तो मैं बोल तो रही हूँ आपको, मेरी आवाज नहीं आ मेहनत रही? करना। नो मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मैम अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अब आ रही है? ठीक। यस मैम। इग्नोर यानी नजरअंदाज करना, यानी उसको छोड़ देना। ठीक है, तो ये ऐसे ही कुछ, तो ये आपको अपना पंजाबी में और चाहो तो हिंदी में भी, और ये इंग्लिश का लिखना ही लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर इमेज क्लियर यस नहीं मैम। होगी क्योंकि बुक की फोटो ही ऐसी है। तो यहाँ एक किसान है जिसके पीछे बहुत सारे बोरे हैं, ये देखो। यहाँ दो भैंस है, ये किसान है बीच में। ठीक है, दिखाई दे यस रहा है? मैम। क्लियर? क्लियर यस तो नहीं मैम। होगा, लेकिन ठीक है, जैसा भी होगा। ओके, तो ये रीड करना है आपको। तो हरप्रीत, ये आप रीडिंग शुरू करो। यस मैम। सुरजीत वॉज ए फार्मर। ही वॉज 60 ईयर ओल्ड। ही हैड वर्कड वेरी नहीं वर्कड वेरी हिज फार्म। द क्रॉप वॉज रेडी। ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ। द ग्रेन ऑन संडे इवनिंग। ही लोडेड द बल्क कार्ट विद द बैग्स ऑफ पर्सन हु नोज और मैनेज ए फार्मर प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल पुट द थिंग्स ऑन। ओके, मेरी आवाज आ रही है मैम आपको? मेरी आवाज आ रही है। यस मैम। आपने रीडिंग अच्छा किया। तो सबसे पहले नाम क्या है? सुरजीत। नाम है सुरजीत। सुरजीत एक किसान था। ठीक है, यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें यस आएगा मैम। था। ठीक है,
सुजीत एक किसान था, वह मतलब 60 साल का था, ठीक है। वे अपने खेत में काम करता था, ही हैड वर्क हिज फार्म, ठीक है। और क्या था, मतलब फसल तैयार थी, ये फसल तैयार थी। उसके बाद उसने मतलब खुद यह मतलब डिसाइड किया कि मैं अपने मतलब फसलों को किया रविवार यानी संडे की शाम को, मतलब उसने 3 बैलगाड़ी को उस मतलब वहां पर बुलाया और उनके ऊपर बहुत सारा सामान चढ़ा दिया, ठीक है। ये लास्ट वाला है। तो सब फर्स्ट एड द, हाँ अब आप एक काम करो, ये पर्सन वाला लेके सेल्फ यहाँ तक आपको रीड करना है, रीड करो। यहाँ तक पर्सन हु नोज मैनेजेस ए फार्म प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल। ओके, तो सबसे पहले तो ये यहां तक आता है, ठीक है। तो ये दूसरे वाला मैं समझाऊंगी, पहले ये मैं समझाती हूँ। मतलब वह व्यक्ति जो है वो किसी मतलब फार्म का मालिक है, सबसे पहले ये पूछा है। दूसरे में पूछा गया मतलब कि प्लेस वेयर पीपल बाय द सेल, मतलब जो लोग हैं वो कहाँ पर बेचते हैं, मतलब ये सेल कहाँ करते हैं। पुट द राइट वन ऑन, मतलब कि म्यूट किया मेरी अपने। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही मैम है आपकी आपकी आवाज नहीं आ आवाज। रही। आप अपना माइक म्यूट मत करोगे? मैम मैं अपना माइक माइक म्यूट नहीं कर रहा। ओके, पुट द थिंग ऑन यानी चीजें डाल दो। तो अब कहाँ डाल दो, चलो देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाया, मतलब कि यहाँ आगे है अभी। तो यहाँ पर देखो और लिखा हुआ है। अब आप मंडे से लेके नाइट तक रीड करो। यस मैम। मंडे मॉर्निंग ही लेफ्ट द दाना मंडी, लेफ्ट फॉर द दाना मंडी। द पार्ट वाज कच्चा, इट वाज आल्सो रेन्ड हाईली लास्ट नाइट। ओके, तो सोमवार यानी मंडे को मॉर्निंग में, मंडे मंडे की सुबह वह मतलब दाना अपनी मंडी के लिए निकले, मतलब अपनी चीजों को लेके निकले। कहाँ निकले? दाना मंडी में, ठीक है। और जो जो वहां का जगह था, जो पाथ वॉज कच्चा, जिस रास्ते वो गए ना वो रास्ता कच्चा था। और बीती यानी पिछले, इट वॉज द ऑल्सो मतलब जो पिछली थी, मतलब बीती रात में, बीती रात मतलब तेज बारिश हुई थी। जैसे कि मान लो ये मंडे को निकला, तो ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो मंडे को ये निकला, तो मंडे को मान लो वो 2 दिन बाद पहुंचा, तो उससे पहले रात में बहुत तेज बारिश हुई थी, अगले दिन पहुंचा, ठीक है। तो अब इसके आगे जानेंगे हम। जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये भैंस है, ये मतलब लोग सामान उठा रहे हैं। ओके, अब हमारे यहाँ से दोबारा शुरू होगा। और ओके, सो सबसे पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। यस मैम। द फार्मर वॉज गोइंग स्लो बिकॉज दे नो द व्हील्स ऑफ बॉल कार्ट माइट गेट स्टक इन द मड। एज सी पासिंग बाय ए फील्ड द व्हील वॉज ब्लॉक कार्ट गॉट स्टक इन द मड। ही ट्राइड हार्ड टू पुल आउट हिज ब्लॉक कार्ट बट ऑल वेन। ही कॉल्ड आउट फॉर
help, but the farmer is working in the field. Ignored, he requests the farmer again. You tried hard pulling, pull the block cart out the mud, but all his efforts were the no use. The getting dark, the farmer was old and weak, still was struggling hard. In the meantime, two youngsters came and learned a helping hand. The three of them successfully pulled out the ball cart. The farmer was very happy and blessed the youngsters. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. क्या क्या ओके आपने रीड अच्छा किया है. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो किसान मतलब सीधी यानी सीधे सीधे सीधी गति में यानी सीधे सीधे जा रहा था. सीधी गति मतलब मतलब किसान सीधी गति से जा रहा था क्योंकि उसे पता था कि बैलगाड़ी के जो पहिए हैं वो कीचड़ में फंस चुके हैं. ये है यहाँ बिकॉज ही नो कि वाइल और मतलब वो जो है वो कीचड़ में फंस चुके हैं. अब यहाँ से हम शुरू करेंगे. ओके आपको समझ में आया. पहले ये बता दो आप यहाँ से मेरी आवाज आ रही है. यस मैम. यस मैम. ठीक है गुड. ओके तो जैसे ही वह एक मतलब ठहलती यानी आगे मतलब ठहलते ठहलते जा रहा था मतलब उसकी बैलगाड़ी से पहिया मतलब कीचड़ में फंस गया था. उसने अपनी बैलगाड़ी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कर नहीं पाया. देखो यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत कोशिश की लेकिन निकाल नहीं पाया. He called out for help, but the farmer's working is the मतलब उसने बहुत आवाजें लगाई. उसने मदद के लिए पुकारा लेकिन खेतों में काम कर रहे किसानों ने उसकी बात को अनसुना यानी इग्नोर कर दिया. ठीक है किसान मतलब अब हमने बात किया है यहाँ. ठीक है उसके बाद द फार्मर अगेन ट्राइड हार्ड टू पुट मतलब किसान ने मतलब दोबारा से कोशिश की उसको धक्का दिया. ठीक है दोबारा से कोशिश की और उसको धक्का दिया लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाया क्योंकि मतलब उसने पूरा एफर्ट यानी पूरी कोशिश दी अपनी बट ऑल मतलब फिर उसके बाद उसने क्या किया. इट वॉज ए गेटिंग मतलब उस दिन रात हो गई थी. फिर उसके मतलब उसके बाद फार्मर जो था वो बूढ़ा भी था और वीक भी था. स्टिल वॉज अ स्ट्रगलिंग वो फिर भी स्ट्रगलिंग कर रहा था फिर भी उस चीज को वो कर रहा था. मेंटेन टाइम इन द मेंटेन मतलब मेन टाइम पर दो यंग लड़के आए और बोले कि मतलब कम आई मतलब मैं इसमें हेल्प करता हूँ आपकी. चौदह तीनों ने एक साथ उसको धक्का दिया और उसकी हेल्प की. तो उसके बाद कुछ टाइम बाद मतलब वो निकल गया. उसके बाद फार्मर वॉज वेरी हैप्पी एंड ब्लेसिंग द मतलब उन दोनों लड़कों को उसने बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दी यानी खुश मतलब उसको आशीर्वाद दिया. ठीक है दुआएं दुआएं को मतलब दुआएं दिया देकर किसान मतलब खुश हुआ. ठीक है क्लियर है यहाँ तक. कोई एक डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो. नो मैम. इग्नोर का मतलब आपको पता ही है. सक्सेसफुली मतलब पता ही है आपको. एक मिनट ये वाला पेन ये और ये इसका मतलब मैं आपको ना दोबारा से क्लियर तरह समझा देती हूँ जिससे आपको क्लियर तरह आ जाए. तो सबसे पहले हमारा क्या है वेन यानी व्यर्थ यानी जो मतलब वो मेहनत कर रहा था और उसकी मेहनत बेकार जा रही. ठीक है दूसरा है हमारा इग्नोर. इग्नोर का मतलब मतलब कि देख कर अनसुना कर देना. ठीक है और जैसा हमने बात किया था किसका बात किया था हमने बात किया था ये नंबर 7 का हमारा यानी
एफर्ट्स यानी एफर्ट प्रयास, एफर्ट्स यानी यानी प्रयास, जैसे प्रयास यानी कोशिश करना, जैसे कि वो बूढ़ा था, वीक था, फिर भी वो कोशिश कर रहा था. क्लियर? यस मैम. आपकी आवाज पता नहीं क्यों इतनी लेट आती है. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. यस मैम. अब आ रही है मैम. यंगस्टर्स, यंगस्टर्स, यंगस्टर्स यानी मतलब लड़के, मतलब जवान लोग. ठीक है, जिसको अगर हम पूरे प्योर हिंदी में बोले तो मतलब युवाओ यानी जो दो लड़के हैं. ठीक है, सक्सेसफुली मतलब, सक्सेसफुली मतलब मैम जो मतलब जो जो काम पूरा हो गया हो अच्छी तरीके से. आपका यही है सफल पूर्वक. सफल yes, पूर्वक यानी जो काम ठीक से पूरा, उसको हम पूरा कर ले. जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो, आपका मतलब आप इस चैप्टर को खत्म कर रहे हो, तो जब आप चैप्टर को अच्छी तरह खत्म कर दोगे तो आप बोलोगे मैंने सक्सेसफुली इस चैप्टर को अच्छी तरह खत्म कर दिया. ठीक है, अब देखो yes, यहाँ पर कुछ वर्ड यूज हुए हैं, जैसे यूजलेस, टुक ऑन नोटिस. ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ वर्ड है और ये वर्ड आपका जाना जरूरी है, तो ये सब जरूर किया करो. ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबर 9 पे लिखा है अचीव विद अ प्लान गोल्स. मतलब जो भी चीज तुम्हें अचीव यानी जो भी चीज तुम्हें पानी है, जो भी चीज तुम्हें लेनी है, उसका एक प्लान बनाओ, एक गोल बनाओ और उस पर फोकस करो. ठीक है, अब पहला हमारा क्वेश्चन है हु वाज सुरजीत. सुरजीत कौन था हरप्रीत, बताओ. मैम सुरजीत इज अ फार्मर. ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था हु वाज सुरजीत, कौन था सुरजीत हरप्रीत. सुरजीत इज अ फार्मर. ओके, गुड आंसर. ठीक है, यहाँ पर ना आंसर एक्चुअली पहले ही से मैंने लिख दिया है, तो मैं इसको इरेज थोड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ इसका आंसर क्या है. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले था हु वाज सुरजीत, तो सुरजीत कौन सा, तो आपने आंसर ठीक दिया, सुरजीत वाज ए फार्मर. ओके, अब मुझे बताओ वेयर वाज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा था. He was going to the market. He was going to the market. Okay, good. Your answer is right. Good. Very, very good. Next है हमारा, read करो Arpit. Third question क्या है हमारा? What was his? What is his bulk cart loaded with? ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं है यहाँ पर इसका प्रॉपर आंसर लिखा. वैसे सब कुछ ठीक था, बस थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा सा ही गलती था, बाकी सब आपका ठीक है. ठीक है, बैग्स ऑफ व्हील. ठीक है, अब हम आगे चलते. फोर्थ क्वेश्चन क्या है हरप्रीत, रीड करो. व्हाट हैपेंड एज द वाज पासिंग बाय ए व्हाट इज हैपेंड एज ही वाज पासिंग बाय ए फील्ड. गिव मी द आंसर. यस मैम. हैपेंड पासिंग, मैम इसका आंसर नहीं आता. ओके, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम. आपको मैंने यहाँ पर ये दोनों आंसर दे दिए. वाई यहाँ पर देखो पूरे आंसर्स हैं. ये आपको अपने नोटबुक पे करना है. हु लैंड ए हेल्पिंग हैंड टू द फार्मर. तो यंगस्ट थे जिन्होंने मतलब फार्मर की
हेल्प की थी, ठीक है? ओके, नाउ देयर इज इट द करेक्ट, तो वंस ए, वंस ए उसके बाद क्या आएगा? वंस ए फार्मर. गुड. नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा यहाँ पे? द बॉल कॉट इज हैवली लोडेड विद व्हीट. गुड. थर्ड का आंसर क्या आएगा? फील्ड. गुड. फोर्थ का? यंगस्टर्स. गुड 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 गुड. ये क्या है यहाँ पर? देखो आपको ना मतलब डेज नेम दे रखा है, जैसे मंडे, जैसे जैसे ये देखो वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, थर्सडे, और यहाँ पर सैटरडे, मंडे, तो ऐसे ऐसे आपको ये दे रखा है नेम. अब यहाँ पर लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है हरप्रीत? टेल मी. मंडे. गुड. ओके ओके. टुडे इज द ट्यूजडे इज द सेकंड डे. सेकंड डे ऑफ द वीक. एंड गुड. वेंसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक. वेंसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक. क्या आएगा यहाँ पे? फोर्थ मैम. थर्सडे. थर्सडे. ओके ठीक है, आगे चलो. आगे बताओ. फ्राइडे. ओके गुड. फ्राइडे आगे मैम. उसके बाद होता है सैटरडे. ओके सैटरडे. गुड. नेक्स्ट मैम. नेक्स्ट ट्यूजडे कम आफ्टर कम मैम मंडे. व्हाट व्हाट? वेंसडे बेटा. मंडे आफ्टर लिखा है. टुडे ट्यूजडे कम. हाँ वेंसडे. गुड. मैंने तो सोचा आपने मतलब क्या बोल दिया, इतना इजी सा फर्स्ट क्लास का आंसर भी नहीं आया आपको. ठीक है गुड. यहाँ पर एक और है कम आफ्टर. अच्छा ये ऊपर वाला हमारा मंडे था, यहाँ हमारा मंडे था, यहाँ पर क्या आएगा? comes after Friday. Ma'am comes after Friday. यहाँ पे ma'am Saturday. 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 Yeah. Good. Okay. यहाँ पे क्या आएगा? Come between Tuesday and Thursday. Good. 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 यहाँ देखो हमारा मंथ नेम है. जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये हमारे 12 होते हैं मंथ. तो यहाँ पर लिखा है मतलब यहाँ पर हमारा थोड़ा गायब है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जो प्लेस दे रखा है उस अकॉर्डिंग उसको आपको भरना है. ठीक है yes, आपको अपनी कॉपी में ये सारा लिखना है. ठीक है. और यहाँ देखो हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखा है, कार, एयरप्लेन, साइकिल, शिप, ट्रक, बोट. ये देखो हमें यहाँ पर दे रखा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. यहाँ पर ट्रेन, यहाँ पर देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें दे रखी है, जीप, वैन, ये सब आपको लिखना है. ठीक है. राइट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आपसे पूछा है वाटर ट्रांसपोर्ट, तो ऑलरेडी यहाँ पे फिल है, जैसे बोट हो गया हमारा, याट हो गया. Yeah.
और ये वाला हमारा है लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी धरती पे चलने वाली चीजें। तो ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आपको ये ना देखे करना है। एयर ट्रांसपोर्ट तो हमारा हो गया एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हमारा है लैंग्वेज, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, टू बाय द एप्पल्स कन्वेंट टू मार्केट। ओके, यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है क्वेश्चंस, तो ये आपको करना है। तो लिखना है आपको, देखो जैसे कि इसमें आप लोगों को क्या, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें इन सेंटेंस को देखना है और उनको सही करना है। जैसे मुस्कान वेंटेड टू बाय एप्पल, सो लिखना चाहिए हमें मुस्कान शी वेंटेड टू द मार्केट, यहाँ पर शी आएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, किरत ऑल्सो किरत वेंटेड वाज एप्पल, तो वांटेड किरत, किरत वेंट विद ही, मुस्कान, या किरत मुस्कान एंड किरण नाउ ईटिंग एप्पल, ईट ईटिंग एप्पल, या। और बाकी ऐसे ही है पीछे हमारा, तो यहाँ पर हमें एक स्टोरी भी दे रखी है क्यूट सी, तो चलो हम लास्ट वाला उसको भी देख लेते हैं, फिर हमारे चैप्टर एंड हो जाएगा। ये हमें एक तो दे रखा है, प्लीज बी केयरफुल, लिसन टू मी केयरफुली, डू योर होमवर्क डेली, अपना काम डेली करो, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने मतलब सुनो इसको ध्यान और बोलो और मजे करो, तो बी गुड बॉय बॉय बॉय, लाइफ इज ए जॉय, गुड गुड गुड, स्पीक द ट्रूथ, साइन साइन साइन, नेवर टेल ए लाई, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ऑनेस्ट इज द बेस्ट, ठीक है। एक स्टोरी है, यस मैम, और आपको ना इस स्टोरी को अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह एक रीडिंग देनी है। जैसे मैंने कहा ऐसे, बॉय बॉय बॉय, लाइफ इज ए जॉय, गुड गुड गुड, स्पीक द ट्रूथ, साइन साइन साइन, नेवर टेल ए लाई, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ऑनेस्ट इज द बेस्ट। तो ऐसे आपको एक प्यारी सी रिकॉर्डिंग भेजनी है, ठीक है। यस मैम, हाँ, वैसे तो आगे और भी है, ठीक है, तो आप इसके आगे मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ। पहला तो यहाँ पर प्रनाउन बता रखा है, जिसमें सी के एज इन ने, मतलब ये देखो यहाँ पर सी के का यूज बता रखा है प्रनाउन, तो आपको एक तो ये नोटबुक में करना है। दूसरा आपको ये दे रखा है दा काओ, तो ये आपको एक तो पढ़ना है काओ के बारे में। द काओ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, जो काओ है मतलब ऐसी एनिमल है, डोमेस्टिक का मतलब होता है जिसको हम घर पे रख सकते हैं। तो उसके बाद सेकेंड नंबर पे देखो क्या लिखा हुआ है, इट हैज फोर लेग, के पास चार लागे, चार टांगे हैं, टू आईज, दो आंखें हैं, टू एयर एंड ए मतलब टेल, मतलब एक पूंछ है और दो एयर यानी कान है। इट गिव अस मिल्क, हमें मिल्क देती है, इट्स मतलब ये खाती है ग्रास एंड क्या खाती है, और मतलब घास और भूसा खाती है, ठीक है, और हाँ रोटी वगैरह भी खाती है ये। इट्स मिल्क इज वेरी हेल्दी, इसका जो दूध होता है वो बहुत हेल्दी होता है, काऊ का मिल्क जो होता है वो बहुत हेल्दी होता है, और उसमें फैट भी नहीं होता, वो बहुत अच्छा होता है। मेनी स्वीट्स आर मतलब प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स मिल्क, बहुत सारे मिठाइयाँ होती हैं जो इसके दूध से ही बनता है, और द काऊ इज वेरी यूजफुल एनिमल, जो काऊ है वो बहुत ज्यादा एनिमल्स है, ठीक है। ओके, एक तो ये आपको याद करके और रीड करके भेजना है, ठीक है। दूसरा है हमारा मतलब ये हमारा क्वेश्चन ये वाला है, जैसे कि देखो राइट, ये देखो यहाँ पर आपको एक मार्केट है, फिर यहाँ लिखा है लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट, तो आपको इसका ये देखना है और आपको इसका सेंटेंस लिखना है। यस इट इज ए वाइल इन ए वाइल ए गे, मतलब आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो, जैसे ए मैन मतलब गोइंग ए समवेयर, या फिर ऐसे आप लिख सकते हो ए बॉय गोइंग विद हिज फैमिली, ऐसे आप लिख सकते हो ए बलू मैन बाइंग बलून्स, तो ऐसे लिख सकते हो एट द मार्केट, ठीक है। ऐसे ऐसे आप 5 लिखना है आपको। दूसरा है पुट ए टिक ऑफ द क्रॉस बाय द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ये आपका एक फॉलोइंग सेंटेंस
आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट वाला ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो राइट है। दूसरा है आपका डिपेंड ऑन अदर्स, ये रॉन्ग है। तीसरा है आपका नेवर हेल्प एनीवन, ये भी गलत है, हमें हेल्प करना चाहिए सबका। कीप ट्राइंग, या हमें बोलने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा लास्ट फिफ्थ है बिलीव इन गॉड, गॉड पे भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ लास्ट में हमें एक शिक्षा मिलती है जो कि लिखा है थिंक ओवर इट, इसको सोचो। तो सक्सेस डज नॉट कम ऑन इट ओन, मतलब सक्सेस खुद नहीं आ सकती, ही हैव टू अचीव्ड, वो तुम्हें लेनी पड़ेगी इट विद हार्ड वर्क, उसको मेहनत से, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेक फ्लैश कार्ड ऑफ, मतलब ये सब, ठीक है। अब ये चैप्टर फाइनली हमारा एंड होता है और हम कल मिलेंगे अपने एक नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ओके हरप्रीत, ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा एंड हो चुका है, आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है, बाय। यस।